हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। आपका स्वागत है मेरे चैनल एमपी फूड फैक्ट्री में। आज दोस्तों सूजी और आलू से एक हम खास रेसिपी लेकर आए हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। यह बहुत ही शानदार और क्रिस्पी बनता है। यह बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है दोस्तों, तो आसानी से बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस रेसिपी के लिए दोस्तों हम लेंगे कड़ी पत्ता, ये हमने हल्का सा मैगी मसाला ले रखा है, ये हमने ऑयल ले रखा है, ये है हमारा धना पाउडर, ये हमने लाल मिर्च ले रखी है, ये हल्दी पाउडर है, ये हमने नमक ले रखा है दोस्तों, ये जीरे हैं, और दोस्तों दो आलू हमने छील के रखे हैं मीडियम साइज़ के, ये हमने एक कटोरी सूजी ले रखी है। इसके बाद दोस्तों हम छोटी सी किसली की सहायता से हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे, और इसे दोस्तों एक कटोरी में पानी रखकर उसी पर ही हमें कद्दूकस करना है। अगर उस पर नहीं करेंगे तो आलू हमारा काला पड़ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आलू को हमने अच्छे से धुल के रख लिया है। इसे हमने 3 से 4 बार धोया है कम से कम। उसके बाद दोस्तों हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच इसमें तेल ऐड कर दिया है। कढ़ाई का तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरे ऐड करेंगे। जीरे के बाद दोस्तों इसमें हम कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं, और गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कड़ी पत्ते और मिर्च पक चुकी है। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे 2 से 2.5 गिलास। मैं जग से वाटर ऐड कर रहा हूँ, आप 2 से 2.5 गिलास इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे दोस्तों, जिससे कि इसमें कलर अच्छा आ सके, और इसे हम कलछुल से थोड़ा सा चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कलछुल की हेल्प से अच्छे से चला लिया। उसके बाद दोस्तों जो हमने आलू कद्दूकस करके रखे थे उसे डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आलू डाल दिए हैं पूरे, और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारे आलू अच्छे से पक जाएं दोस्तों। आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने जो एक कटोरी सूजी ली हुई थी हम उसे ऐड कर देंगे। सूजी ऐड करने के बाद दोस्तों इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, आप देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी गाढ़ी हो चुकी है, और इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे दोस्तों, जिससे इसका सारा पानी सूख जाए और यह सूजी हमारी अच्छे से पक जाए। फाइनली दोस्तों हमारी सूजी पक चुकी है। आप देख सकते हैं कि यह अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें दोस्तों हम अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच नमक ऐड किया, आप अपने इसमें स्वाद अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले से रखा हुआ था। आप देख सकते हैं मैंने मैगी मसाले को ऐड कर दिया है। उसके बाद हम लाल मिर्च ऐड करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। सारे मसालों को ऐड करने के बाद दोस्तों हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक ट्रे लेंगे, उसमें हम इस तरीके से सारी ट्रे में ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमने सूजी का घोल बना के रखा हुआ है वो इसमें अच्छे से सेट होगा, और बाद में निकालने में हमें दिक्कत नहीं आएगी।
इसलिए ऑयल लगाना ज़रूरी है जिससे कि वह चिपके ना। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी ट्रे में ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद दोस्तों हम सूजी के पेस्ट को इसमें अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे सूजी के घोल को हमने ट्रे में सेट कर दिया है। इस तरीके से हमें अच्छे से इस पेस्ट को बराबर सेट कर लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा सारा पेस्ट सेट हो चुका है अच्छे से। आधे घंटे से ऐसे ही छोड़ने के बाद इसे आप इस तरीके से बारीक काट लेंगे। इसके बाद दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम कटे हुए पीसेस को तलने के लिए डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पीस इसमें तलने के लिए डाल दिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन हो चुके हैं। और आपको यह रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल MB फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर हमारी ID MP फूड फैक्ट्री के नाम से ही दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इससे यह नाश्ता बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार और लाजवाब बनता है। आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है और यह बहुत ही क्रिस्पी और देखने में बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। देख सकते हैं कि हमारे पीसेस बहुत ही क्रिस्पी तले हुए हैं दोस्तों और बहुत ही शानदार है।